इनका कहने का मतलब पढ़ लिख लोगे तो भैया क्वेश्चन करोगे, अनपढ़ रहोगे तो जैसे हम कहेंगे वैसे करोगे। युवा हूँ मैं इंजीनियर हूँ, नहीं कानून व्यवस्था आप बताइए। अखिलेश जी की वाइफ डिम्पल यादव जी खुद कह रही मैं भैया से शिकायत कर दूंगी, जब खुद ही सेफ नहीं अपनी सरकार में दूसरी सरकार में क्या करते हैं। इस समय सारी जो भी महिलाएं हैं कम से कम रात 12 बजे निकल तो रही हैं। उनका हमारा कुत्ता इनका कुत्ता तामी होता है। तो भाजपा के जो नेता हैं वही पेपर लीक के ठेकेदार हैं। अच्छा उत्तर भारतीय जनता पार्टी में जो नेता भ्रष्टाचारी है उन पर ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं होती है? ये बताइए सबसे पहली बात। आम जनमानस की मूल प्राथमिकता क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे देश की जीडीपी कहाँ है? आज हमारे देश के जो आर्थिक व्यवस्था कहाँ चली गई? सीमानंद क्या बुलडोजर कब चलेगा? भूषण सिंह क्या बुलडोजर कब चलेगा? बताइए ना बलात्कारी के ऊपर। सड़कों की हालात जो है कैसी सुधरी है और सब देख रहे हैं, लोगों को जो है विकास नहीं दिख रहा है, लोगों को सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा देख रहे हैं, यहाँ का मुद्दा इनके पास। मैंने कहा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर क्या है? एक चुना हुआ विधायक उसको जो है दौड़ा करके जो है नकाश को यहाँ चौपटका से गोली मारी जाती है और पूरा सारा हॉस्पिटल जहाँ तक रहता है वहाँ दौड़ा गोली मारी जाती है। वो दिन भूल गए क्या? चुनावी चर्चा के दौरान हम यहाँ मौजूद हैं। ये चंदन की दुकान है और लगभग 20 साल कहना चाहिए पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी आकर यहाँ चाय बना रही है, चाय की मिठास भी लिया लोगों ने। अब चुनावी चर्चा की बात करेंगे और सबसे पहले बात हम उस प्रयागराज की करेंगे जहाँ पे सबसे देखें तो ये अध्यात्म धर्म और साहित्य सबके संगम का है। कहा जाए तो ये तहजीब के है, गंगा जमुनी तहजीब का प्रयागराज है और इस प्रयागराज पे आज चर्चा करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसके साथ ही भदोही का भी एक अंश भी यहाँ से जुड़ता है, बगल में कौसाम्बी लोकसभा सीट है। हमारे यहाँ जो है उम्मीदवार जो है कन्ही हमारा जो है कमल का फूल है, हम उसी का प्रचार करते हैं और उसी के प्रचार में मीटिंगें भी हो रही है जगह जगह, सेक्टर संयोजक हर जगह हमारे जा करके कर रहे हैं और हम लोग जो है 72 दिन से इस कार्य को शुरू कर रखे हैं। तो हमारा जो है चुनाव मुख्य चुनाव जो है चुनाव प्रत्याशी और सिंबल उसी को हम लोग मान करके अपना प्रत्याशी मान करके काम कर रहे हैं। काम की बात जहां आप पूछ रहे हैं तो वहां बीजेपी ने जो है अपना उम्मीदवार कमल के फूल के रूप में घोषित करके उसी को हम लोग अपना प्रत्याशी मान करके हर कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में बन करके काम कर रहा है। 14-19 तो आपने मोदी जी के चेहरे से लड़ लिया और मोदी लहर से सारे प्रत्याशी जीत गए, तो अब की बार क्या है? आज भी वही है। लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है, सब लोग ये देख रहे हैं कि अगले की चाल क्या होगी, लेकिन पासा कोई नहीं फेंक रहा, सब ये देख रहे हैं कि उम्मीदवार कैसा आएगा, उस उम्मीदवार के लिए फिर हम क्या अपने सामने कैसा उम्मीदवार खड़े, कुछ ऐसी बात है। देखिए जैसा कि भाई ने कहा कि हमारा प्रत्याशी हर कमल का फूल की बात कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये कमल के फूल पे ही जीतते हैं, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रत्याशी काम करे या ना करे सिर्फ मोदी जी के नाम पे इन लोग जीतते आए हैं और जैसा कि फूलपुर लोकसभा में जो प्रेजेंट टाइम के इस समय जो सांसद हैं केसरी देवी पटेल जी, उनको यहाँ के सही से गांवों के नाम भी नहीं पता है, पूरे 5 साल गुजर गए और क्षेत्र के ने आज भी देहातों में ढंग से बिजली नहीं गई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियां बिल्कुल बजबजा रही है। कुल मिला के बस यही कहेंगे कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कई मंदिर बना बैठे और कई मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छी है जात परिंदों की जो कभी मंदिर पर जा बैठे जो कभी मस्जिद पर जा बैठे। पेपर लीक इन्होंने दिया, आरओ इन्होंने दिया, यूपीपी खत्म ले गए, आरओ ले गए। युवाओं के दिल से पूछे, युवा कितनी बड़ी पीड़ा में है, हजारों लाखों करोड़ों, यही इलाहाबाद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यहाँ पर और ये युवाओं का गढ़ है, ये छात्र राजनीति का गढ़ है, ये शिक्षा का गढ़ है, आज से नहीं जमाने से रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्या नहीं दिया, आज उसी युवाओं के साथ ठगी हो रही है और कहते हैं कि हुनर नहीं है। एक साहब है कल मैं सुन रहा था, कह रहे थे हुनर नहीं युवाओं के अंदर। अच्छा एक आदमी के अंदर नहीं है, दो आदमी के, लाखों युवाओं के अंदर हुनर नहीं है। रीजन ये है कि कमल का फूल एक ब्रांड बना लिए जबरदस्ती कि कमल का फूल से चुनाव लड़ेगा। बटन तो कमल के फूल है बजेगा, एक्चुअली में ब्रांड की बात तो है ही है, कारण है, प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कमल का फूल ही नेता है।
कमल की फूल ही वो उम्मीदवार है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो सिंबल तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण होता है। ये कैसे आप कह रहे हैं कमल का फूल? अब प्रत्याशी सबसे ज्यादा महत्व। अब यहाँ पर क्या मोदी वॉशिंग पाउडर जो चल रहा है ये 6 महीने से, जो अभी आ रहा है मोदी वॉशिंग पाउडर में जो घूस मतलब धूल नहा लिया वो बिल्कुल ईडी और सीबीआई से सुरक्षित है। मोदी वॉशिंग पाउडर के बारे में जरा पूछिए इनसे कि मोदी वॉशिंग पाउडर की बात हो रही है क्या? मोदी वॉशिंग पाउडर कब तक इन लोगों को इसी तरह लगी रहा है? जब भ्रष्टाचारी जेल जाएगा तो कह रहे हैं जेल नहीं भेज रहे हैं, जब भ्रष्टाचारी जेल गया तब चिल्ला रहे हैं उनको जेल क्यों भेजे? तो क्या इनका काम चिल्लाना ही है और कुछ नहीं भाई? है क्या और अब विपक्ष क्या कर सकता है? ये भाई साहब ने जो बताया भ्रष्टाचारियों की बात, ये इतने भ्रष्टाचारी, विजय माल्या भ्रष्टाचारी नहीं था, नीरव मोदी नहीं था, मेहुल चौकसी नहीं था, इनके पीछे भ्रष्टाचारी थे। इनके पीछे क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार में इलेक्टोरल बांड ने किसने खाया? जो गौमांस की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, गौमांस वाली कंपनियां, बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों का चंदा भाजपा ने पहले स्थान पर खाने का काम किया, इस एविडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ। दूसरी सुनिए भाई साहब, दूसरी चीज, ये जो भाई साहब ने कहा कि हम सिर्फ कमल के चुनाव पर वोट लड़ते हैं, हमको प्रत्याशी मतलब नहीं है, ये विफलताओं को छिपाने का एक प्रयास है, क्योंकि ये चाहे इनकी नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, ये इन लोगों का पपडंडा है। अभी तो खुद का प्रत्याशी घोषित नहीं है, खुद का इनका प्रत्याशी घोषित नहीं है, हुई है कि हम प्रत्याशी पहले कैसे मत बोलो, खुद का प्रत्याशी तो घोषित नहीं है, अपने को बता रहे भाजपा प्रत्याशी को घोषित किए। भाजपा का जो है एक मेन जो बता रहे सिंबल कुछ नहीं होता, मेन तो सिंबल ही है। अब हम बात सिर्फ यहाँ की कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती है लेकिन आदमी क्षेत्र नहीं देखता है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आप सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो मेरी बात का आप बताइएगा कि अब बगल में हम देखते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल आईटी है, ये एक ऐसा क्षेत्र है, अगर देखते हैं कुछ दूरी पर राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, बाएं हाथ जाते हैं तो यहाँ पर सिविल एयरपोर्ट है बमरौली, उससे आगे बढ़ते हैं तो जिधर भी देखते हैं तो आगे ऐसी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर हैं, और प्रयागराज में ऐसी कौन सी चीज है जो स्थापित नहीं हो चुकी है? तो ये बड़ा विकास तो बीजेपी ने किया है। विकास सर, अगर शिक्षा की बात करें, आज सबसे मूल आम जनमानस की मूल प्राथमिकता क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे देश की जीडीपी कहाँ है आज? हमारे देश के जो आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई? जब 2014 में को लेके आप बगल में उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा है यहाँ सुनिए पहले, यहाँ पे जो बैठे लोग हैं 2017 पहले जो स्थितियाँ थी उसको इन लोगों दिखाई नहीं पड़ा। 2017 में जो है जब हम लोग जो है यहाँ पे चुनाव, जब माननीय सिद्धार्थनाथ जी लड़ने आए तो यहाँ पे इतने इतने गड्ढे रहा करते थे, गाठी भर के जो है गड्ढे, 18 लाख रुपया उस समय सेंशन हुआ पैकिंग के लिए, पैचिंग होकर तो उसपे जो है चला तो साग बनी, तब से दशा ये खराब है 2017 से। 2017 के बाद आप पूरे शहर पश्चिमी में उठा करके जाकर के देख लीजिए सड़कों की हालात जो है कैसी सुधरी है, और सब देख रहे हैं, लोगों को जो है विकास नहीं दिख रहा है, लोगों को सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा देख रहे हैं, यहाँ का मुद्दा इनके पास देखिए। रोड पैचिंग की बात नहीं है, रोड पैचिंग की बात करूँ, सच बता दूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रोड पैचिंग 17 से लेके 30 तक या 24 लग गया, आपका शहर पश्चिमी बदला, कुछ नहीं बदला। सुनिए सर, कुछ नहीं, मैं पैचिंग की बात कर रहा हूँ, जो भाई साहब ने कहा है रोड पे 100 मीटर के अगर दायरे में 4 गड्ढे तो 1 गड्ढे पार के, सच बता दूं मसूरिया माई के मंदिर पे मेला का रास्ता था, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, ऐसे गड्ढा, 2 गड्ढे 4 गड्ढे 1 गड्ढा के पार के से फोटो बनाया गया, वीडियो बनाया गया, छुपाने की बात है। और सुनिए, रोड बना करके, मेला बना करके, मैंने कहा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा के जो नेता हैं वही पेपर लीक के ठेकेदार हैं। अच्छा, उत्तर भारतीय जनता पार्टी में जो नेता भ्रष्टाचारी हैं उन पर ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं होती है? ये बताइए सबसे पहली बात। इसी फूलपुर लोकसभा में, इस फूलपुर में आप कह रहे हैं कि ट्रिपल आईटी दिया, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया बताइए इस फूलपुर लोकसभा को? फूलपुर लोकसभा को जन्म करने वाली, जन्मदाता करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, क्या नहीं दिया इस फूलपुर लोकसभा को? इलाहाबाद को क्या नहीं दिया? ये दो फ्लाई कमी इसलिए रह गई, कमी कहीं नहीं रह गई। अब जो हो कमी थी उसका हम लोगों ने पूरा भरपाई कर लिया है, और उसी नए जोश और नए जुनून के साथ अब हम लोग उतरेंगे, और देख लीजिएगा इस बार 2024 में
कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक परचम लहराने जा रही है। सीमानंद क्या बुलडोजर कब चलेगा? भूषण सिंह क्या बुलडोजर कब चलेगा? बताइए ना बलात्कारी के ऊपर सुनो, यहाँ के जो माफिया थे उनके ऊपर तो बुलडोजर चल ही रहा है। मैं तो हम यहाँ जो पीरियड है, यहाँ के जो माफिया है वो सब समाप्त हो चुके हैं, उनके ऊपर बुलडोजर भी चल चुका है। और चिल्ला वही रहे जो बुलडोजर वालों के, जो बुलडोजर जिनके ऊपर चला है उनके तू कैसे प्रकट करेंगे? उनका हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टामी होता है। मतलब हम जो जाति पाति और समुदाय देख करके अपराधी घोषित किया जाता है। बड़ा आक्रोश है इनको बात को, लेकिन जो प्रयागराज के लिए सबसे बड़ी बात रही, पूरा प्रदेश पूरा देश जिसको मानता है कि कानून व्यवस्था के लिए बड़ा कार्रवाई हुई, इस पर ये कुछ नहीं कर रहे। साथ रहने वाले होंगे तो कहाँ कहेंगे? इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं भाई? आप बताइए, पहचान कर बात सुनिए। एक चुना हुआ विधायक उसको जो है दौड़ा करके जो है नकाश को यहाँ चौपटका से गोली मारी जाती है, और पूरा ये सारा हॉस्पिटल जहाँ तक रहता है वहाँ दौड़ा दौड़ा गोली मारी जाती है। वो दिन भूल गए क्या? हाथरस में जनता ने चुना था, जनता ने तो चुना था उसको। हाथरस में एक बेटी को जिंदा, बेटी को जला। हाथरस की बात न करो, यहाँ की बात करो यार। जहाँ खड़े हो, जहाँ खड़े हो वहाँ की बात करो। अब हम बड़ी आप लोगों के लिए एक मिनट आप लोग शांत रहिएगा, एक मिनट शांत रहिएगा। यहाँ पर माहौल गरमा चुका है, लेकिन एक मिनट शांत रहिएगा। पहले मेरी बात, आप आ जाइए संदीप जी, इधर आ जाइए। 2005 में एक मिनट में चुनाव लड़ेंगे मोदी के साथ, एक बस 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 सबसे बड़ी बात है, यहाँ चर्चा बहुत गर्मा गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है, 2005 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, और जनवरी 25 जनवरी 2005 को यहाँ पर बसपा विधायक को दिन दहाड़े मारा जाता है। कृष्णानंद राय को कुछ महीने ही बाद, कृष्णानंद राय को जहाँ विधायकों की हत्या दिन दहाड़े होती है, वो भी बहुत दुशासनिक ढंग से, उस सरकार में कानून व्यवस्था की बात को आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप बीजेपी में अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको आप उठा रहे हैं, उस बात को क्यों नहीं आप दे रहे हैं? क्यों ऐसा भी राज था कि विधायकों की दिन दहाड़े हत्या होती थी? जी हाँ, 2005 में हत्या हुई थी राज्यपाल के दिन दहाड़े, कोई वो नहीं है। कृष्णानंद राय की भी हत्या हुई थी। जी जी जी, हत्यारों के साथ कम से कम राज्यपाल को क्या आज भाजपा में हत्यारे नहीं है? भाजपा से रहता है अजय मिश्रा का लड़का टेनी मिश्रा दिन दहाड़े किसानों के ऊपर कार चढ़ा के चलेंगे, वो हत्या नहीं है? न्याय करेंगे, आपकी सरकार आएगी, बिल्कुल न्याय करेंगे, 100% करेंगे। बाहुबलियों का जिस तरह से साथ दिया जाता था, उतना नहीं देंगे जी, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के घर गए तो बीजेपी वालों ने इसको भी आड़ों हाथ ले लिया जी। मुख्तार अंसारी के घर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो भाई उनके घर में अरे चले जाए। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, आपकी पार्टी बसपा का कहीं नामो निशान नहीं है। कभी ऐसा था कि लॉ एंड ऑर्डर में केवल मायावती जी का नाम लिया जाता था। देखिए ऐसा है ना, ये आदमी के सोच है कि बसपा कहीं दिख नहीं रही है, और बसपा हमेशा कहीं नहीं दिखती, मौका आने पर बहुत तेज दिखती है। आपके यहाँ से भी उम्मीदवार नहीं उतारे गए? नहीं, हमारे उम्मीदवार तैयारी पे है, प्लस हम लोग हमेशा ये देखते हैं चौवा पर छक्का मारने वाले रहते हैं, भले ये जाए रहने लेकिन तैयारी रहती है। अब आप आ जाइए, उम्मीदवार क्यों नहीं दे रहे? उम्मीद बता तो रहा है आपसे ना, बता तो रहे हैं कि हम चौवा पर छक्का मारेंगे, भले आपके ऊपर फोर रन जाए। लगा कि आप अपने पड़ोसी की डमी बन गए हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, अब आप एक चीज समझ लीजिए, नहीं नहीं अभी चुनाव जो होने वाला था तो आप सुने कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, अब भाजपा वालों से पूछिए राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाए? ये आरएसएस वालों की चाल होती है, जैसे कि छोड़ना जगह जगह, तो एक हवा बना दे, पहले मेरी बात सुने जाइए। अब आ जाइए कानून मुद्दे पर, अभी जैसे सब लोगों ने बात किया, अब आपने भी सवाल किया कि भाई इनके शासन में विधायक मर्डर हुआ, भाजपा जैसे शासन में जिस कानून का मर्डर हो जाए, कभी आपने सोचा है कानून का मर्डर? लोढ़ा जैसे जज की हत्या हो गई, कई कई जज सुप्रीम कोर्ट के मारे गए, इसकी आज तक जांच हुई? बताइए, यही कानून है?
विधायक को आम बात मान लीजिए, जो देश को चलाने वाला है, संविधान को चलाने वाले की हत्या हो रही है, उसके जवाब मान लीजिए ना। ये सबसे पहला कानून, कानून आपका संविधान खतरे में आ गया, बिल्कुल खतरे में है यार। न्याय करने वाले, एक मिनट, जिस न्याय करने वाले व्यक्ति को हत्या हो जाए, और एक नहीं, दो दो, तीन तीन नहीं, चार चार, आप बताइए, सोचिए कौन न्याय पे कौन बैठा। क्यों? क्योंकि जो कुछ खोलने वाले होते हैं इनका, इनके पहले कहूँ एक्सीडेंट से मरवा देंगे, कहीं गाली पलट जाती इनके दशा। आप आ जाइए विकास पे आ जाइए, विश्वविद्यालय पे आ जाइए, इनसे पूछे किनका बच्चा विश्वविद्यालय में पढ़ेगा। आप बताइए, पूछिए इनसे विश्वविद्यालय में किनका बच्चा पढ़ेगा। बड़े सवाल है, किनका बच्चा पढ़ेगा, लेकिन विकास गांव वाला बच्चा जाएगा पढ़ने। स्कूल अगर देखें तो कायाकल्प, प्राइमरी स्कूल से लेकर सारे विद्यालयों की देखें, कार्यालयों को देखें, बदलाव तो बहुत कुछ दिखता है। क्यों, आपने देखा नहीं कि प्राइमरी विद्यालय का कायाकल्प हुआ जो है, हर जगह हुआ है, शिक्षा में बदलाव हुआ। अब जो ट्रिपलाइटी की बात कर रहे हैं, इनके बच्चे क्या यहाँ को जानवर के बच्चे पढ़ने आते हैं, इंसान के बच्चे नहीं पढ़ने आते हैं? अब इनको बताइए जरा से, इंसान के या इंसान का बच्चे नहीं पढ़ने आते हैं? जो टॉयलेट बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं यहाँ पे, उनके क्या व्यवहार है? गरीब का बच्चा भी आईएएस बनता है, किताब पे जीएसटी लग गई, 250 के मिल गई, जिनका बाप 500 रुपया रोज कमाता है, अब फीस जहाँ 150 थी वहाँ 500 फीस, क्या करेगा, पढ़ाएगा बच्चों? इनका मेन मुद्दा है फीस इतनी महंगी कर दो कि गरीब का बच्चा पढ़ ना पाओ। बहुजन समाज पार्टी में यह व्यवस्था थी, चाहे जिस समाज का हो उसके लिए फ्री व्यवस्था थी, फ्री फीस थी, इसको आप पता कर लीजिए। आज डॉक्टर बनने में एक बच्चे को 3 करोड़ लग रहा है। बड़े सवाल है कि शिक्षा महंगी हो गई, लेकिन शिक्षा महंगी होने के साथ ये देखा गया कि शिक्षा में जहाँ पहले बच्चे जाते थे, प्राइमरी स्कूलों की ये दशा थी कि वहाँ पर बैठने के लिए टाट पट्टी पे बच्चे बैठते थे, लेकिन आज सारी चीजें बैठ गई, टाइल्स मार्बल्स लग गए हैं, बड़े विकास हुए हैं, लेकिन योगदान को लोग नकार रहे हैं। ऐसी क्यों से, ऐसी क्यों बात हो गई कि आपने जो विकास किया ऐसा है ना, यहाँ पे जो है न संविधान खतरे में है, न शिक्षा खतरे में है। जब उस दिन उस समय भूल गए, 2017 से पहले में रहर के खेतों में जो कापियां लिखा जा करती थी, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया था, झांसी से 4-4, 5-5 हजार बच्चे झलवा में जो एग्जाम देने आते थे, नकल होती थी तभी देने आते थे ना। आज जो शिक्षा का सुधार हुआ तो उसमें लोग हल्ला मचाना शुरू कर दिए, तो ये सारे हल्ला राजनीति, बस यही हो रहा है और क्या। संविधान फूलपुर लोकसभा की सबसे जो सीट में हमें शहर पश्चिमी है, शहर पश्चिमी के विधायक जो सिद्धार्थनाथ सिंह जब ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, ये बताइए शहर पश्चिमी में कौन सा एक अस्पताल जो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने खोला, एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। डफरीन और कालवन के अलावा जो कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ डफरीन, आज पूरे इलाहाबाद को डफरीन और कालवन संभाला शहर पश्चिमी के। अब शहर पश्चिमी जितने माफिया विधायक रहे जो भी, मगर सिद्धार्थनाथ सिंह 10 साल से लगातार, धीरे धीरे 10 साल होने जा रहा है, एक भी सरकारी अस्पताल भगवतपुर में 100 बेड का जो अस्पताल जाके आपको जाके चश्मा लगा के देखो, 100 बेड का हॉस्पिटल खुला हुआ है, हाँ विकास खंड भी बना है और 100 बेड का हॉस्पिटल भी बना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मेरा कहने का मतलब है आज लोकतंत्र बहुत खतरे में है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर इनका कहने का मतलब पढ़ लिख लोगे तो भैया क्वेश्चन करोगे, अनपढ़ रहोगे तो जैसे हम कहेंगे वैसे करोगे, समझ रहे हैं? मेन पढ़ने का मौका, शिक्षा इतना महंगा कर दी जा रही है, आज मैं बता दूं सबसे ज्यादा खतरे में अगर है तो संविधान है, संविधान बहुत खतरे में है, समझ रहे हैं? बड़ी बात बता रहे हैं, जैसे कि अभी सब कह रहे हैं, जब सपक्ष के मुखिया जी कह रहे थे कि बच्चे हैं, गलती हो जा रही थी, तब कहाँ गई थी बताइए? अभी एक युवा है ना, युवा हूँ मैं इंजीनियर हूँ, नहीं कानून व्यवस्था, आप बताइए। अखिलेश जी की वाइफ डिंपल यादव जी खुद कह रही, मैं भैया से शिकायत कर दूंगी, जब खुद ही सेफ नहीं अपनी सरकार में, दूसरी सरकार में क्या करते हैं? इस समय सारी जो भी महिलाएं हैं कम से कम रात 12 बजे निकल तो रही हैं, और रही बात विकास दिख रहा है ना, सभी दिख रहा है, घुंघरू चौराहा यही जलवा की बात कर लीजिए, कोई जानता था इसको चौराहा को, यहाँ कोई निकलता था? जब रात में गाड़ियां निकलती थी बाइक से तो आदमी गिर जाता था वाइफ को लेके, लेकिन इस समय 1 बजे निकलेगा तो आराम से निकल जाता है। बहुत कुछ बदल गया, एकदम बदल गया। इनको क्या नहीं दिख रहा, कौन सा चश्मा लगा? ये सब ब्लैक चश्मा लगा है। ब्लैक चश्मा लगाए, अब आप देख रहे हैं, क्योंकि फिर बात करते हैं यहाँ पर
माहौल गर्म भी होता है तो खुशनुमा माहौल भी होता है। चश्मा लगा रखा है इन्होंने क्या, कोई कौन सा, कितने लोग बोल रहे हैं अब वो तो आप ही बता सकते हैं चश्मा कौन सा लगा हुआ है। यहाँ यहाँ जिनका खाता खुलने वाला नहीं है, जिनका खाता खुलना 80 में जो है दो सीट पा जाए बड़ी मुश्किल है, आज वो चिल्ला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 4 जून के बाद आए ना, 4 जून के बाद आए, 4 जून के बाद आए, इनको पता चल जाएगा अपने आप ही जनता किसके साथ है, जनता किसके लिए काम करती, जनता के लिए काम करती है। बड़ी बहुत बड़ी बातें हैं, खत्म नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी। और 4 जून को जो चुनाव होगा वो क्या फिर पूरे देश का चुनाव मोदी जी लड़ेंगे, ये बड़े सवाल हैं। अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो सपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि फूलपुर के लिए हम इलाहाबाद के लिए विशेष करेंगे। आखिर ये विशेष क्या है, इनके बीच में क्या शतरंज की चाल चल रही है, यही एक जानने की टटोलने की बात किए तो इनका निचोड़ ये निकलता है कि पीड़ा भी है, विकास भी है और बड़ा दर्द भी है। और सबसे बड़ा जो ये चीज है कि प्रत्याशी तो सामने आए, क्योंकि कोई देश का बड़ा ऊपर का धुरंधर नहीं चुनाव लड़ेगा, लड़ेगा तो यहाँ पर प्रत्याशी, तो जब प्रत्याशी अपना होगा तो विकास भी होगा और उनसे अपनी बात भी कहेंगे, आयातित नहीं होगा तो भी अच्छा होगा। अब इन सब मुद्दों पर फिर हम चर्चा करेंगे, फिलहाल ये चर्चा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, NBT प्रयागराज।